एक जंगल में, तो सबसे पहले माइनक्राफ्ट की परंपरा के हिसाब से सबसे पहले मुझे यहाँ पर वुड कट करनी होगी। पहले तो वुड कट होने के बाद मैंने यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, क्राफ्टिंग टेबल से एक पिकैक्स बनाया एंड स्टोन जमा कर लिए। यहाँ पर स्टोन के टूल्स भी बना लिए। उसके बाद कुछ और वुड जमा करने के बाद इन्हें यहाँ पर बहुत सारा खाना भी जमा किया। इसके बाद मुझे पिम पार्टिकल्स मिले, मतलब ये चेरी ब्लॉसम बायोम में मिलने वाले फ्लावर्स, जिनसे मैंने बेल्ट भी बना लिया। इसके बाद वापस लग गया मैं खाना जमा करने के लिए। खाना जमा करते करते मुझे भूख लगी, तो मैंने यहाँ पर एक फर्नेस बना लिया एंड कुछ स्लैब्स, जिसकी वजह से मैं खाना कुक करूँगा। तो मैंने खाने को कुक करने के लिए रख दिया एंड वापस लग गया बहुत सारे जानवरों को मारने के लिए। इसके बाद को खाने के बाद मैं चला गया एक्सप्लोरिंग पे। मैंने एक्सप्लोरिंग पे जाते जाते रात हो गई, तो मैं वहाँ पर सो गया। नेक्स्ट डे को मैंने यहाँ पर सुगर केन कलेक्ट किए एंड वापस लग गया एक्सप्लोरिंग पे। मैंने एक्सप्लोरिंग पे करते करते तो यहाँ पर एक विलेज मिल चुका था। तो विलेज में जाने के बाद मैंने यहाँ पर चेस्ट देखी, जिसमें से मुझे खाने का सामान मिला, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड मैं आगे गया तो मुझे यहाँ पर एक रून पॉटर मिला, तो जल्दी से इसको भी लूटते हैं। इसमें से क्या लूट मिलेगी? इसमें से मुझे गोल्डन एप्पल मिला एंड कुछ गोल्ड के सामान। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बेस बना लिया टेम्प्ररी, जिसमें अपर चेस्ट रखी और सारा सामान रख दिया। उसके बाद मेरे एक से टूट चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन माइन किए। उसके बाद वापस आ गया विलेज में, यहाँ से बहुत सारी एबल्स जमा कर ली। यहाँ से एबल्स जमा करने के बाद बहुत सारा फूड भी जमा किया, मतलब फूड बना लिया एबल्स से। उसके बाद मैं लग गया माइनिंग पे, क्योंकि मुझे एक डायमंड का आर्मर चाहिए था। यहाँ पर माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पर कोल मिल चुका था, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। साथ ही में बहुत सारा आयरन भी मिला। यहाँ से आयरन कलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने एक स्लिट बना ली, उसे पहन भी लिया एंड साथ ही में एक वाटर बकेट भी बना ली, जो कि एमएलजी करने के लिए बहुत काम आई एंड उसमें पानी भी भर लिया। एंड मुझे जो आर्मर मिला था उससे मैंने सोचा था, मतलब जो आयरन के इंगट मिले थे उससे सोचा था कि एक डायमंड का तो नहीं, लेकिन आयरन का आर्मर बना लूँ, लेकिन मुझे डायमंड चाहिए थे, तो मैंने उनकी पिकैक्स बना ली। एंड उसके बाद वापस लग गया बहुत सारी माइनिंग पे। यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग करते करते मुझे रेड स्टोन भी मिल चुका था, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। रेड स्टोन को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से लग गया 58 पर माइन करने के लिए, 53 पर माइनस। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रिप माइन के साथ साथ साइड में भी ब्लॉक माइन किए।
जिसमें बहुत समय तक माइनिंग करने के बाद मुझे कुछ डायमंड्स दिखे, कुछ तो नहीं लेकिन सिर्फ एक ही डायमंड मिला। उसके बाद बहुत सारे डायमंड माइन किए एंड ऊपर आने के बाद एक मतलब वहाँ पर ही एक डायमंड की पिकेक्स बना ली एंड साथ में बहुत सारे डायमंड भी माइन किए। मुझे यहाँ पर 6 डायमंड मिले तो मैं ऊपर आ गया। मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी थी, इसे खाली करने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ा। ऐसे इन्वेंटरी खाली करने के बाद मैं लग गया सुगर कैन को प्लांट करने के लिए, क्योंकि मुझे सुगर कैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को मारा। एनिमल्स को मारने के बाद मैं लग गया विलेजर्स को फ्लेचिंग की जॉब देने के लिए। साथ ही मैंने ऑक्सीजन भी माइन किए। ऑक्सीजन माइन करने के बाद मैं वापस से चला गया माइनिंग पर। एंड माइनिंग पर जाने के बाद मुझे बहुत सारे डायमंड भी मिले। यहाँ से सारे डायमंड माइन करने के बाद मैं ऊपर आ गया एंड पूरा डायमंड कारमा बना लिया। एंड साथ ही मैं कुछ डायमंड के टूल्स भी बना लिए एंड उसके बाद डायमंड का आर्मर को पहन भी लिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद मैं वापस से चला गया माइनिंग पर, क्योंकि मुझे एन्चेंटमेंट टेबल के लिए डायमंड चाहिए थे, जो कि मुझे थोड़े से ब्लॉक माइन करने पर भी मिल गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्सिडियन माइन किए। ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैंने एक नेदर पोर्टल बिल्ड किया एंड 80,000 के जूते बनाने के बाद मैंने उनको पहन भी लिया, जो कि थे सोने के। एंड नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के बाद मैं चला गया नेदर में देखने के लिए कि मुझे अच्छा स्पॉन मिला है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ ये हुआ, पता नहीं ये क्या हुआ था। एक समय तो मैं डर ही गया था, लेकिन वापस से वो ठीक हो गया। मुझे अच्छा तो स्पॉन नहीं मिला था, लेकिन ठीक ठाक ही था, इसीलिए मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने सुगर कैन कलेक्ट किए बहुत सारे। सुगर कैन कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पेपर बनाए, जिससे एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाए एंड कुछ बुक सेल भी। उसके बाद वापस से बहुत सारे लेदर जमा किए। एंड बहुत सारे बुक सेल्फ इसी तरह से मैंने जमा किए। पर 20 हो चुका था, जिसमें मैंने एन्चेंटमेंट टेबल तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं चला गया कुछ कोल माइन करने के लिए, क्योंकि मुझे टॉर्चेस चाहिए थी। यहाँ पर कुछ कोल माइन करने के बाद मैंने यहाँ पर सेफ से कुछ कोल ले लिया उधार, जिनको मैं वापस लौटा दूंगा कभी ना कभी। तो यहाँ पर मैंने एक फार्म बिल्ड कर लिया, आयरन फार्म, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा था, जिसका वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन ये ठीक ठाक वर्क कर रहा था।
फिर मैंने यहाँ पर कुछ एक्स बना ली जो कि मुझे यहाँ पर वुड जमा करनी थी। मैं यहाँ पर लग गया वुड जमा करने के लिए क्योंकि मुझे स्प्रूस की वुड चाहिए थी, तो मैं आ गया था स्प्रूस की वुड फाइंड करने के लिए। मुझे यहाँ पर स्प्रूस की वुड मिल चुकी थी, तो जल्दी से अब यहाँ से बहुत सारी स्प्रूस की वुड भी जमा कर लेते हैं। स्प्रूस की वुड जमा करते करते मैंने यहाँ पर सेपलिंग भी जमा की, लेकिन मैं चला गया था पाउडर स्नो में, फंस चुका था। मेरी यहाँ पर आइसक्रीम ना बन जाए इसीलिए मैं निकल गया वहाँ से। मैंने यहाँ पर जो सेपलिंग मिली थी उनको प्लांट कर दिया घर पर आकर, जिससे मुझे वुड की कमी ना। उसके बाद मैं चला गया ओक की वुड को माइन करने के लिए। ओक की वुड को माइन करने के बाद जो सेपलिंग मिले थे उनको प्लांट कर दिया। मैंने यहाँ पर बहुत सारी वुड जमा की स्ट्रिप तो वुड। मैंने यहाँ पर लगभग इतनी वुड माइन की जो कि मेरा घर बना था। उसके बाद मैं चला गया नेदर में। नेदर में जाने के बाद मैं लग गया कोर्ट्स माइन करने के लिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सपी चाहिए थी। क्वार्ट्स माइन करते करते मुझे यहाँ पर कुछ वन ब्लॉक मिले जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पर एक बेसिन मिल चुका था जो कि मेरे नेदर पोर्टल से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मेरे इसे मैं जाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं लग गया वापस यहाँ पर बहुत सारे क्वार्ट्स माइन करने के लिए। कोर्ट्स माइन करने के बाद मैं वापस से घर को आ गया। घर पर आने के बाद मैं चला गया आयरन फार्म में। एक यहाँ पर बहुत समय तक एफके करने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत आयरन मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पर एक स्टोन फार्म बना लिया। मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टोन भी जमा किए, बहुत सारा सामान भी बनाया स्टोन से, स्टोन ब्रिक्स। मैं लग गया घर की जगह क्लियर करने के लिए। इन घर की जगह क्लियर होने के बाद मैं लग गया घर को बनाने के लिए। मेरे यहाँ पर 50 डेज कहाँ निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, जिसमें मैंने यह घर बनाया, लेकिन मुझे पता नहीं मैं एक्सप्लोरिंग कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस एंट्रेंस को बना लेते हैं। या गाइस, ये आज के वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।